तो भाई लोग साल था 1964 का, उस टाइम पे एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था हकीकत। वैसे 1995 के आसपास भी ये जो हकीकत मूवी है या फिर हकीकत नाम से एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अजय देवगन और तब्बू मैम देखने को मिले थे। लेकिन 1964 की जो फिल्म थी जिसका नाम हकीकत था, उसमें हमको धर्मेंद्र सर और अपने संजय खान सर और भी कई सारे दिग्गज कलाकार देखने को मिले थे। अभी एक ना कांड ऐसा हुआ कि उस टाइम पे जब ये फिल्म चल रही थी या फिर फिल्म का जब शूट चल रहा था, तो धर्मेंद्र सर ने संजय खान सर को थप्पड़ जड़ दिया। अब वो आखिर मामला था क्या, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये फिल्म है लगभग 3 घंटे 2 या 3 मिनट के आसपास की है। फिल्म ने क्या कलेक्शन किया क्या नहीं, फिलहाल वो मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा हमारा ये है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसके चलते जो है धर्मेंद्र सर ने संजय खान सर को थप्पड़ जड़ दिया। बताया ये जाता है कि जो संजय खान सर हैं और जितने भी अपने जो मूवी के जितनी भी कास्ट थी उनसे जान पहचान बढ़ाने के चक्कर में धर्मेंद्र सर ने एक छोटी सी पार्टी जो है ऑर्गेनाइज की अपने घर पे या फिर किसी फार्म हाउस पे। वहाँ पर सभी को बुलाया और बताया जाता है, अकॉर्डिंग टू न्यूज, अगर मैं बात करूँ एक जो न्यूज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो संजय खान सर जो हैं वो ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। और बताया ये जाता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी या फिर कुछ भी जैसा भी हो, उनको इतना नशा हो गया था कि वो पार्टी में आप बोल सकते हो रंग में भंग डालने का काम करने लगे। वो कई लोगों को उल्टा सीधा बोलने लगे, कभी किसी को कुछ बोलते कभी किसी को कुछ बोलते। उनको काफ़ी ज़्यादा संभालने की कोशिश करी गई, लेकिन फाइनली वो दिग्गज कलाकार ओम प्रकाश सर के बारे में जब उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया, तब धर्मेंद्र सर से रहा नहीं गया, उन्होंने भारी पार्टी में उनको थप्पड़ जड़ दिया। अगले दिन सुबह जब धर्मेंद्र सर अपने जब धर्मेंद्र सर पहुँचे वहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए कि भैया जो भी है उनको भी एहसास हुआ कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, तो वहाँ पर जो फिरोज खान सर हैं उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र जी आपने जो किया वो सही है, गलती इसी की है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो अपने फिरोज खान सर हैं वो उस टाइम पे एक बहुत जाना माना नाम थे। फिरोज खान सर के बारे में मोस्टली सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो एक बार गूगल कर लो। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पहुँचल एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।